एशियन का रनिंग शूज और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया हूँ, तो चलिए मैं इसको फटाफट ओपन कर देता हूँ बिना देर के हुए और फिर मैं बताऊँगा इसको कितने में बाई किया हूँ। तो इसको मैं जल्दी से ओपन कर देता हूँ आपका बिना समय गवाए। तो ये है लोगो कुछ जो ऐड करते हैं एशियन का। तो और इसका प्राइस देख लेते हैं कितना है, इसमें प्राइस अगर लिखा होगा तो कहीं से भी। तो देखिए इसमें जो प्राइस है यहाँ पे लिखा हुआ है 1499 रुपया, यानी कि 1500 रुपया इसका प्राइस दिखा रहा है। और ये जो मिला है मुझे, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मिला है मात्र मुझे 479 रुपया में मिला है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसा है लुक इसका। तो ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जो बॉक्स है ठीक ठाक है क्वालिटी, मतलब जिस हिसाब से पैसा लगा उस हिसाब से तो परफेक्ट है। और इसे मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, इसमें पूरा एशियन का पूरा लोगो मिला हुआ है, एशियन का ब्रांड। और पैसा तो बहुत कम लगा है लेकिन अब देखते हैं जूता कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कुल मिला के जूता तो कुछ ऐसा लुक है। और ये मात्र 450 में जूता दिया है और जूते की क्वालिटी तो इतनी तगड़ी है कि देख लो आप खुद ही। और इसका जो सोल है ये भी अच्छा है और यहाँ पीछे पे भी आपको एशियन का यहाँ पे ब्रांड देखने के लिए मिलता है। और इस जूते में भी एशियन का ब्रांड है और आपको साइड में कुछ इस तरह का स्टिकर है और यहाँ पे रेड कलर का चिंदी चिंदी टाइप का दिया हुआ है। और साथ में आपको यहाँ पे एशियन का मिल जाता है लोगो और साथ में आपको यहाँ पे नीचे में भी आपको एशियन का यहाँ पे दिख रहा है अंदर इस साइड दिया हुआ है। और पीछे की साइड आपको यहाँ पे एशियन का ब्रांड मिलता है देखने के लिए और साथ में आपको ये लाइनिंग देखने के लिए मिलता है। और जो ये हील है ये भी थोड़ा सा हार्ड ही है, वो मतलब ठीक ठाक है। और जो पर जो ज़्यादा हाइट वाले आदमी के लिए ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा हील ऊंचा है, मतलब हाइट जिसका है उसके लिए तो ये जूता उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिसका हाइट कम है उसके लिए सही है जूता। और मतलब बढ़िया जूता है कुल मिला के, मतलब हार्ड है और 400 तो क्या चाहिए फ्रेंड्स, अगर बढ़िया जूता है। तो चलिए मैं इसको आपको पहन के भी दिखा देता हूँ ये कैसा जूता है और कंफर्टेबल है या नहीं। तो मैंने साइज जो साइज मैं पहनता हूँ देखता हूँ ये साइज से कंफर्टेबल होता है या नहीं होता है। और बाकी इसमें आपको ये एशियन का एक स्टिकर देखने के लिए मिलता है और इसमें आप साथ में कंपनी थैंक यू भी बोलती है धन्यवाद। तो और ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। तो अब मैं इसको आपको पहन के दिखाता हूँ ये शूज कैसा है पहनने से। और साथ में देखिए ये एशियन कंपनी का ये ब्रांड दिया हुआ है ताकि कोई दूसरा कंपनी इसको मतलब टच ना कर पाए, स्टिकर दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और अब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं 10 नंबर साइज पहनता हूँ और 10 नंबर बिल्कुल फिटिंग साइज आया है। तो उस हिसाब से आप जिस नंबर साइज पहनते हैं वो मंगा सकते हैं और आपको इजीली से हो जाएगा, लेकिन तो जहाँ तक थोड़ा सा टाइट ही लग रहा है तो पहनते समय हो सकता है ये लूज हो जाएगा।